हेलो दोस्तों, मैं ये स्वागत करता हूँ सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आज हम आखिरी रविवार को हुए भारत पाक के मुकाबले के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आखिरी रविवार को खेला गया मुकाबला भारत पाक के बीच था, जिसमें भारत को 10 विकेट से पाकिस्तान की ओर से हार मिली। इस करारी हार के साथ ही वर्ल्ड कप में मुकाबले कभी पाकिस्तान से ना हारने का रिकॉर्ड भी टूट गया। टीम इंडिया को पाकिस्तान के हाथों एक तरफा हार मिली, जिससे कि टूर्नामेंट में पहली बार भारत पाकिस्तान के खिलाफ हारा है। और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी पत्रकारों ने होश खो बैठे थे। कप्तान विराट कोहली से पूछे कुछ ऐसे सवाल। इसके बाद विराट कोहली ने पाकिस्तानी पत्रकारों को लताड़ते हुए दिए ये जवाब। एक पाकिस्तानी पत्रकार सैयद हैदर ने भारतीय कप्तान विराट कोहली से पूछा कि क्या आज उन्होंने रोहित शर्मा को खिलाने के बजाय ईशान किशन को नहीं खिला सकते थे, उनका फॉर्म काफ़ी अच्छा भी चल रहा था। फिर क्या था, विराट कोहली ने पाकिस्तानी पत्रकार से पूछा कि अगर वह कप्तान होते तो क्या वो रोहित शर्मा को बाहर कर देते T20 से। इस पर पाकिस्तानी पत्रकार ने कुछ भी नहीं कहा, उनकी बोलती बंद हो गई और वह हंसने लग गए। तो उसके बाद विराट कोहली ने कहा कि अगर ऐसा ही विवाद करना है तो मुझे पहले बता दीजिए, फिर मैं उसी तरीके से जवाब दूंगा। एक अन्य पाकिस्तानी पत्रकार सवारी पाशा ने कहा, पाकिस्तान की जीत के नशे में कहा कि कोहली से पूछा क्या भारतीय पाकिस्तान के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हारा है, क्या भारतीय टीम ICC टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ अपने रिकॉर्ड को देखते हुए ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ गई थी जिसकी वजह से वह हारी हैं। इस पाकिस्तानी पत्रकार को विराट कोहली ने लताड़ते हुए कहा कि जो बाहर से सवाल पूछ रहे हैं, एक बार वो हमारी किट पहनकर मैदान पर उतरे, फिर उन्हें पता चलेगा कितना प्रेशर होता है। पाकिस्तान जैसी टीम इन दिनों किसी को भी हरा सकती है। विराट ने आगे जवाब देते हुए कहा कि उनकी टीम किसी भी टीम के लिए तैयार रहती है, वो किसी को भी हल्के में नहीं लेती है, और जो जब भी मैदान में उतरती हैं तो पूरे जुनून के साथ खेलती है पाकिस्तानी टीम। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा कि पाकिस्तान के गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने अच्छी गेंदबाजी करी। शाहीन के शुरुआती विकेटों की वजह से ही भारतीय बल्लेबाज दबाव में आ गए थे। शाहीन के शुरुआती ओवर में उस पहल की वजह से ही भारतीय टीम 20-25 रन पीछे रह गई, जो बाद में हार का रुख बन गई। विराट के मुताबिक दूसरी पारी में जब पाकिस्तान खेल रही थी तो 10 ओवर तक ओस नहीं थी, उसके बाद ओस आ गई, जिसके बाद गेंद बल्ले पर अच्छे से आने लगी और गेंदबाज की ग्रिप अच्छी नहीं बनी, जिसके बाद वह धीमी गति की गेंद का हथियार भी नहीं इस्तेमाल कर सके, जिसका कारण उन्हें एक बहुत ही शर्मनाक हार मिली। तो अब क्या मोड लेगी भारतीय टीम इस करारी हार के बाद, आप किसके बारे में क्या राय है हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।